हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल बाय प्रभास पर। दोस्तों, जब से दरभंगा एयरपोर्ट बना है ये लगातार बुलंदियों को छूता जा रहा है और ऐसी ही एक बड़ी बुलंदी कल दरभंगा एयरपोर्ट पर दिखाई दी। दोस्तों, यदि हम कल के दिन दरभंगा एयरपोर्ट पर यात्रियों का आंकड़ा देखें तो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कल दरभंगा एयरपोर्ट पर 6 फ्लाइट आई और वहीं 6 फ्लाइट गई, और वहीं यदि हम आने वाले यात्रियों की संख्या की बात करें तो ये 1010+24 यानी कि 1034 है, यानी कि अब तक का सबसे ज़्यादा, और जाने वाले यात्री कम है लेकिन फिर भी ये 750। और यदि हम दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कुल यात्रियों की संख्या 1784 हो जाती है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है यानी कि रिकॉर्ड। और दोस्तों, यदि हम यहाँ पे एवरेज लें तो एवरेज ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दोस्तों, यदि हम आने वाले यात्रियों की बात करें तो कल के दिन दरभंगा एयरपोर्ट पर 1034 यात्री आए और मात्र 6 फ्लाइट की सहायता से यहाँ पे आए थे, यानी कि यदि हम पर फ्लाइट यात्रियों की संख्या को देखें तो ये 172.33 है, यानी कि लगभग 100% ऑक्यूपेसी है। और ये तब है अब दिल्ली और मुंबई के लिए 2-2 फ्लाइट पर डे उड़ रही हैं। दोस्तों, यदि इस प्रकार से आंकड़ा दरभंगा एयरपोर्ट पर आने वाले समय में रहता है तो यहाँ पे सुविधा तुरंत बढ़ाए जाने की जरूरत है। इस पे सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ पे 172 की ऑक्यूपेसी है फ्लाइट्स की, वहां पे सुविधाएं निरंतर बढ़ाई जाए, यात्रियों को सुविधा मिले, जिस कारण से यहाँ पे यात्रियों की संख्या और भी तेजी से बढ़े। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।